अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी ईद कलेक्शन, आई होप आपको अच्छी लगेगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का ड्रेस, एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। गले पे सारा सिक्वेंसेस का काम है, एंड मोतियों के साथ बटन्स लगे हुए हैं, और नीचे सारा जो है वो धागे की एम्ब्रॉयडरी का काम है। इसी तरह बाजू स्टार से सिंपल है, एंड आगे जो है वो सिक्वेंसेस का काम है। बहुत ही खूबसूरत सूट है, बहुत लाइट सा, और ये इसके साथ शिफॉन का लाइट ब्लू से कलर का दुपट्टा है विद ब्लैक मिक्सिंग। और आजकल बहुत स्टाइल इन है ब्लैक के साथ, स्पेशली ब्लू एंड रेड दुपट्टों का। और ये लाइमलाइट से मैंने बाय किया था, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं लाइमलाइट के, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं, और लॉन बहुत अच्छी होती है, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल सा होता है। और इसके साथ है जी ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडर ट्राउज़र, स्ट्रिपिंग में लाइंस आ रही हैं एम्ब्रॉयडरी की। तो जी चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, विच इज़ इन रेड कलर, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत सूट है, बहुत लाइट सा स्टफ़ है इसका, अरेबिक लॉन है। अरेबिक लॉन वैसे भी बहुत, आपको पता है, लाइट सी होती है, तो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत हैवी ड्रेसेस भी जो हैं आप नहीं कैरी कर पाते, तो हल्के से जो ड्रेसेस होते हैं आप इजीली कैरी भी कर पाते हैं और गर्मी भी नहीं लगती। और इसके साथ ही ये एम्ब्रॉयडर्ड बाजू हैं इसके, धागे की एम्ब्रॉयडरी है, एंड साथ जो है हल्का हल्का सा तिल्ले का काम है। हाई लो शर्ट है, स्टाइल इसका भी आजकल बहुत इन हुआ हुआ है, हाई लो शर्ट्स का बॉटम स्टाइल है ये, आप देखते हैं फ्रंट हाई एंड बैक लो स्टाइल, ठीक है। बहुत अच्छा सूट है, लाइट सा है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, एंड ये इसकी बैक साइड है विद बॉटम लो डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल बट स्टाइलिश ड्रेस है, अच्छा लगता है पहना हुआ, एंड साथ सिंपल रेड कलर का ट्राउज़र है, एंड सेम एज रेड शिफॉन दुपट्टा है। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, और ये स्काई ब्लू कलर में है। बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में ऐसे कूल से कलर्स पहने हुए, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। एंड ये सिंपल सा ड्रेस है, खुद बाय करके मैंने स्टिच करवाया था, प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टा है इसके साथ, और गले पे मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई थी बटन्स लगवा के, वाइट कलर के बटन्स लगवाए हैं इसके ऊपर मैंने, और बॉटम पे ब्लैक कलर का बॉर्डर है इसके। बहुत इजी हो गया आजकल कपड़े स्टिच करवाना, गले आपको साथ मिल जाते हैं एंड बॉर्डर्स भी साथ बने बनाए मिल जाते हैं, वरना पहले जैसे लेसेस सेपरेटली बाय करना और हर चीज़ सेपरेटली बाय करके मैचिंग करना और फिर उसको लगवाना, तो आजकल बना बनाया सब कुछ आपको साथ ही मिल जाता है। और जी इसके साथ है ये कटवर्क में एम्ब्रॉयडर ट्राउज़र, कटवर्क मैंने नहीं करवाया बिकॉज बच्चों के साथ कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट इसको नीचे से तरपाई करवा दिया, कटवर्क में नहीं इसको करवाया। एम्ब्रॉयडर ट्राउज़र है, बहुत ही लाइट सा कूल सा बहुत प्यारा ड्रेस है। प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टे के साथ, तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, एंड विच इज़ इन क्रीम एंड पिंक कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा रहता है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स को पिंक कलर वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है और उनके ऊपर लगता भी बहुत प्यारा है। तो जी ये चिकन का सूट है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये बाबा जानी ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड खादी से बाय किया है। लॉन स्टफ में है जी चिकन का सूट, बहुत लाइट सा है, मैं वैसे भी लाइट कपड़े प्रेफर करती हूँ बिकॉज बच्चों के साथ हैवी ड्रेसेस कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जी ये इसके साथ पिंक कलर के टसल्स हैं, और ये पिंक के साथ ही मैचिंग दुपट्टा है, ये सिल्क में है दुपट्टा पिंक कलर का, बहुत इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, क्रीम एंड पिंक कॉम्बिनेशन। ट्राउज़र इसका हरीम ले गई है उठा। नेक्स्ट ड्रेस है जी ब्रिंजल कलर में, एंड सिल्क स्टफ है इसका विद बॉटम हाई लो शर्ट, बट डिफरेंस इसका ये है कि इसमें हाई लो रेशो जो है वो थोड़ा कम है, और लास्ट जो आपने देखा था उसमें हाई लो रेशो थोड़ा ज़्यादा था, तो लॉन्ग शर्ट के साथ है ये हाई लो रेशो, और गले पे इसके धागे की एम्ब्रॉयडरी है, साथ मोती और सिक्वेंसेस मिक्स काम है, ठीक है। और बाजू पे भी ऐसे ही थ्रू आउट सिक्वेंसेस का काम है, और नीचे आके इलास्टिसिटी रिबन्स लगे हुए हैं,
एंड सिक्वेंसेस का काम नीचे आके थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब बहुत लाइट सा कूल ड्रेस है, ये आप देख रहे हैं, लॉन्ग शर्ट है, बॉटम हाई लो डिज़ाइन के साथ, बहुत ही सिंपल सा और बहुत प्यारा ड्रेस है। चलिए जी, अब दिखाती हूँ मैं आपको बच्चों के ड्रेसेस, और बच्चों के वैसे भी बहुत क्यूट क्यूट से ड्रेसेस होते हैं, तो चलिए जी बच्चों के ड्रेसेस देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ईसा के, बिकॉज बॉयज़ के वैसे भी थोड़े इतने फैसिनेटिंग नहीं होते, कलर्स नहीं होते इतने ज़्यादा, तो पहले ईसा के देखते हैं। शॉर्ट्स एंड निकर स्टाइल विद वेस्ट कोट, और डार्क ब्राउन से शेड में इसकी निकर है, ठीक है, और लाइट ब्राउन से शेड है इसकी वेस्ट कोट का। अगर गर्मी ज़्यादा लगे तो आप वेस्ट कोट जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइट कलर की शर्ट है इसके साथ, बटन्स लगे हुए हैं शर्ट पे भी एंड वेस्ट कोट पे भी, सामने पॉकेट्स हैं, छोटा सा हैंडकरचीफ है एंड इसके इधर एक बो थी, ठीक है, जो हरीम उतार के ले गई है, ठीक है जी। ये ईद फर्स्ट डे का ड्रेस एंड ये आ गया जी ईद के सेकेंड डे का ड्रेस एंड लॉन्ग स्टफ में ये कुर्ता है, ठीक है, क्रीम से शेड्स की इसके अंदर लाइनिंग है, सिंपल सा ड्रेस है, समर के हिसाब से बहुत लाइट सा और कूल कलर है बच्चों को, ताकि गर्मी भी बिल्कुल ना लगे। और जिस कलर की क्रीम लाइनिंग इसके अंदर है, इसी कलर की इसके साथ शलवार है क्रीम कलर की, और ये भी लॉन स्टफ में है। आ गया ये जी थर्ड डे का ड्रेस, ये भी लॉन स्टफ में है, और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं रेड एंड ब्लैक कलर के। दामीर से मैंने बाय किया था, दामीर से कपड़े बहुत अच्छे और रिजनेबल मिल जाते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। और ये जी इसके साथ ट्राउज़र है, नीचे वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है, बहुत सिंपल सा बहुत लाइट सा ड्रेस है। अब जी आ गए हैं हरीम के ड्रेसेस, बेबी पिंक कलर का ड्रेस है एंड गले पर जो है इसके धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और बाकी शर्ट पे जो है प्रिंटेड है, ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, गोल्डन से शेड में बहुत प्यारा सूट है, और ये इसको इसकी खाला ने गिफ्ट किया था, ठीक है जी। ये गोल्डन से शेड में इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग है, गले पे एम्ब्रॉयडरी है, बहुत सिंपल सा लॉन स्टफ में सूट है, बहुत अच्छा। साथ इसके पिंक कलर का ये छोटा सा दुपट्टा है, बच्चियों के वैसे भी छोटे छोटे दुपट्टे लिए हुए बहुत प्यारे लगते हैं, और अच्छी बात है कि छोटे होते से ही बच्चियों को आदत हो कि उन्होंने दुपट्टा ले के रखना, ठीक है जी। बैक पे इसके ये डोरी स्टाइल है और पिंक एंड गोल्डन से शेड में, ठीक है, ये इसके डोरियां हैं, बहुत ही सिंपल सा कूल ड्रेस है। और ये इसके साथ इसकी शलवार का स्टाइल है, बहुत प्यारा ट्राउज़र है, साइड पे सारी पट्टी लगी हुई है, और इसी तरह से जैसे शर्ट के ऊपर प्रिंटेड थी ऐसे ही ट्राउज़र भी सारा ब्लॉक प्रिंटेड है, ठीक है जी। ये है जी ब्लू कलर में डेनिम स्टफ में फ्रॉक है, सिंपल सा है, सारा प्रिंटेड है एंड बहुत लाइट सा कूल सा कलर है। और ये इसके फ्रंट पे दो छोटी छोटी सी पॉकेट्स बनी हुई हैं, हार्ट शेप में हैं, कुछ भी डाल सकते हैं बच्चे इसके अंदर, लाइक ईटी भी डाल सकते हैं। और ये है जी इसकी बैक साइड, ये आ गया है जी थर्ड ड्रेस, और पिंक कलर में है ये भी, बच्चियों के ऊपर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये आप इसकी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, नेट में है और साथ रिबनिंग में काम हुआ हुआ है, बहुत ही कूल सा लाइट सा ड्रेस है। और ये सामने इसके रिबन्स लगे हुए हैं और फ्रंट पे सारी नेट है, ठीक है। रिबन्स को हम टाई करके इसकी जैसे बटरफ्लाई शेप बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, और इसको हम खुला भी छोड़ सकते हैं जैसे चाहें, बच्चे वैसे भी टाई तो कभी भी नहीं रहने देते, जो चीज़ भी टाई हो उसको खोल ही देते हैं। तो ये जी बहुत ही कूल सा कैजुअल फैंसी ड्रेस है, आप इसे फंक्शंस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ईद पे भी और कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड ड्रेस है जी लाइट ग्रीन से शेड में, बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस है, और नेट के ऊपर सारा काम है, बीड्स का है काम, और साथ ही धागे की एम्ब्रॉयडरी भी है, ठीक है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा ड्रेस है। और ये भी इसको इसकी खाला ने गिफ्ट किया था, ठीक है। साथ ये नेट का दुपट्टा है और नीचे एक पट्टी के ऊपर धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटा सा दुपट्टा है नेट में, और साथ इसके जॉर्जेट में ट्राउज़र है, ठीक है जी। बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा ड्रेस है, थैंक यू खाला। एंड ये आ गया है जी फोर्थ ड्रेस, लॉन में है,
सिंपल सा ड्रेस है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पिंक एंड क्रीम से कलर की डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर। ठीक है, साइड्स पे रिबन्स लगे हुए हैं, बॉटम स्टाइल है और साथ ही साथ अंगरखा स्टाइल है, ये आप देख रहे हैं फ्रंट कट के साथ। ये है जी इसके साथ ट्राउज़र, शॉकिंग पिंक से शेड में है एंड नीचे इसके सारे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है क्रीम से शेड में। बहुत ही प्यारा ड्रेस है क्रीम एंड पिंक शेड्स के साथ। तो ये थी जी हमारी ईद की शॉपिंग, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी सी ईद मनाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।